फ्रेंड गुड मॉर्निंग, जय समय मस्त सुबह हो गई है और मैंने भगवान की पूजा भी कर ली है और यहाँ पे धूप निकल के आई है। आज अच्छी वाली थोड़ी बहुत है और साथ में ठंडा पवन भी है और यहाँ पे मुँह में रूपा दोनों बैठ गए। बोला जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। कहीं लगो था સુપ્રીમ બેઠા બેઠા કે હું સિંહ થી નો પીઓ વરુ થી નો પીઓ તારે તબુલા થી પીઓ તબુકલું હોય ને થી પી ગયો અને ભાગ્યો હતા જંગલ માં કુંભાર નો ગધડો ખવાઈ ગયો છે, કુંભાર ગધડો ખોતા રાહત પડી ગઈ, એ ઝાડો ટીંગાઈ ગયો, બીક લાગે જનાવર ની ઓલો કુંભાર બી ગયો છે કોઈ ન મળી ગયા ડબુકલું ખતર નાખી ગયો, આપણે માર નાખ્યો આખી રાત જોડાયો, સાચી વાત છે, કપાઈ ગયો, સમજાઈ ગયો નથી ગયું પછી આપડે તો બીવું પડે તાત્કાલિક હકલો કરવો પડે, કામ તો ઘણું છે માણસો ઉપર કામ આવે માણસો ઘરે જાગી હતી ના એટલે તો 7 બજને મેં દેરી હે તો ચાલતે ડાયરેક્ટ કિચન માં કે મમ્મી કિચન માં પહોંચ ગઈ હે ઓર આજ પપ્પા કા ટિફિન ભી હે હર રોજ હોતા હે તો આજ તો મેં જાગ ગઈ હું તાજ દેખ લેતે કે ક્યાં ક્યાં મમ્મીને બનાવ્યા હે પપ્પા કે લી ટિફિન મેં મમ્મી જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, શું બનાવ્યું છે? દૂધનું શાક બનાવ્યું, દૂધનું શાક, પપ્પા કા સબ સબ્જી ચલતી હે યહાં પે, દૂધ કી સબ્જી બન ગઈ હે પપ્પા કે લીએ ઓર યહાં પે રોટલો બન ગયા હે પપ્પા કે લીએ ઓર યહાં પે કાકરી કાંટા ભી ગૂંધ લિયા હે મમ્મી ને વિશાલ ઓર મમ્મી કે લીએ દોનો ખાને વાલા હે ઇસલિયે ઓર યહાં પે મરચા ભી ફ્રાય કર લિયા હે और मैं नाश्ता अभी तो नहीं करने वाली क्योंकि कल पूरा दिन मुझे पेट में दर्द हो रहा था ना तो अभी तो मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ, भूख लगी ज़्यादा तो थोड़ा बहुत ममरा ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी ने भाखरी बना कर रेडी कर ली है विशाल के लिए, अपने लिए भगवान को धरने के लिए जा रहे हैं अब, दूध और भाखरी है तो ओके। यहाँ पे भगवान का थाल भी रेडी हो गया है और एक भाखरी यहाँ पे पक रही है, भाखरी हम लाने के लिए बे करवाने थे एक थोड़ा लोट ओके। यहाँ पे गैया के लिए भाखरी भी है तो चलो मैं गाय को भाखरी देकर आती हूँ, गाय को देती हूँ उसमें से चकलियों को भी डालती हूँ और किड़िया भी पूरती हूँ, 2 भाखरी है तो 1 भाखरी तो मैं गाय को देती हूँ और 1 भाखरी आधी किड़िया पूरती हूँ और आधी भाखरी में चकलियों को डालती हूँ। तो चलो मैं देकर आती हूँ भाखरी, बाद में मुझे रूम क्लीन करना है, आप सब देख सकते हो ऐसे है हमारा रूम बिखरा हुआ है, सब लोग यहाँ पर सोते थे इसलिए, तो बाकी तो नाश्ता मुझे नहीं करना है तो डायरेक्ट आकर मैं सीधा काम ही पकड़ूँगी।
तो चले फ्रेंड, मैंने झाड़ू पर पता लगा दिया है, तुम घर एकदम से क्लीन कर दिया है मैंने। आप सब देख सकते हो यहाँ पे अब कपड़ा लटकाना बाकी है, तो मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं और वासन साफ कर रहे हैं, तो मैं फ्री हो गई हूँ, तो फटाफट कपड़ा सुखाना शुरू कर देती हूँ और बाद में मम्मी का कीर्तन लेना है, तो जो भी फ्री हो जाएंगे उसके बाद मम्मी का कीर्तन ले लेंगे। तो चले फ्रेंड, काम करके फ्री हो गए और आज जल्दी फ्री हो गए, आप सब देख सकते हो। अभी तो 9 बजे है, 9:15 बजने वाले हैं अभी तो, और हम फ्री हो गए हैं, तो मम्मी का कितने ले लेते हैं। तो चले फ्रेंड, आज शाम को प्रोग्राम है भाजी पाव का, तो पायल को भी इनवाइट किया है शाम को डिनर पे, तो पायल भी आने वाले है, तो मैं गई सारी सब्जी लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए, तो यहाँ पे टमाटर, कैप्सिकम, बैंगन और गोभी लेकर आ गई हूँ। और अभी तो फ्लावर और मुझे वटाना नहीं मिला है, जो पॉसिबल होगा तो वापस जाऊंगी लेने के लिए, मार्केट में जाऊंगी तभी पॉसिबल होगा, यहाँ पे तो नहीं मिलता। तो अभी इतनी सब्जी थी तो लेकर आ गई हूँ, और दोपहर के लिए भिंडी भी लेकर आ गई हूँ, तो यहाँ पे भिंडी भी साथ में ही, तो चलो सारी सब्जी वॉश कर लेती हूँ और बाद में खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पाव आ गया है, मसाले लेकर आ गए, मार्केट में गया था ना तो चीज़ भी डालना है, और पाव भाजी का मसाले भी आ गया है एवरेस्ट, और यहाँ पे भिंडी की सब्जी पक रही है चीनी आज पे, और हर बार की तरह छाछी बनाने वाले हैं, वो यहाँ पे मम्मी साइड में तैयारी कर रहे हैं रोटला की, नहीं मम्मी? तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी पक रही है, मैंने छाछ डाल ली है तो बबल्स हो रहे हैं, तो धीमे से पकाना है, और यहाँ पे मम्मी ने रोटला बनाना शुरू कर दिया है, तो टप टप के साथ रोटला बना रहे हैं, एक तो बन गया है हाथ में है और तीसरा यहाँ पे इसका लोट यहाँ पे क्योंकि 3 लोग है तो 3 रोटला बनाएंगे, नहीं बोला था ना कि फ्लावर वटाना नहीं है, तो मैं और विशाल जा रहे हैं मार्केट में, तो विशाल भी रेडी हो गया मेरे साथ आने के लिए, विशु चलो चलो आज तो पायल आने वाले है, या इसलिए विशाल का मुंह है ना बड़ा हो गया है, जो देखिए स्माइल कितनी आ गई है, और बोले भी लगा है लब 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 ना कुछ बोलता नहीं था, पाव भाजी है ना, हाँ विशाल की फेवरेट है, नहीं विशु चीज भी डाल कर खाने वाले, तो चीज भी आ गया है, पाव भी आ गया है, तो थोड़ी सब्जी लेने के लिए चलते है, चलो गए थे थोड़ी सब्जियाँ लेने के लिए, तो वापस आ गए और 6:15 बज गए, तो अब खाना बनाना स्टार्ट कर ही देते क्योंकि देर लगती है, सारी सब्जी कटिंग करनी है, उसके बाद बॉयल करनी है, तब जाकर हमारी भाजी होगी, इसलिए यहाँ पे वटाणा भी आ गया है, तो मम्मी मैं और मम्मी में जो खोलेंगे और बाद में फ्लावर, कैप्सिकम, बैंगन, टमाटर, सब कुछ, गोभी, सब कुछ कटिंग करना है, नहीं मम्मी? शियाला भाजी बहुत भाव है, चलो बनाते है, तो यहाँ पे मैंने बैंगन कटिंग कर लिया है और यहाँ पे फ्लावर भी कटिंग करके पानी में रख दिया है भिगोने के लिए, क्योंकि अंदर थोड़ी झिंझनी जीवात होती है ना तो निकल जाए, इसलिए फ्लावर में से बैंगन कटिंग हो गए, और यहाँ पे मम्मी ने गोभी कटिंग करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे आलू है, तो चलो मैं आलू का छिलका निकालना शुरू कर देती हूँ, तब जाकर टाइम पे खाना बनने वाला है, इसलिए तो यहाँ पे सलाद के लिए मम्मी गोभी कटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे टमाटर है, और यहाँ पे मटर को फोल कर रेडी कर लिया है, तो उसको उबालना है बाकी, बॉइल करना बाकी है, यहाँ पे कैप्सिकम बस कटिंग कर लिया मैंने, और यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी भी मैंने कर ली है रेडी, और यहाँ पे भाजी पक रही है, उसके बाद भाजी का बदला करने वाले हैं हम, सलाद कटिंग थी गयी है, वटाणा बॉइल थी गया है, टमाटर रेडी थी गई है, तेल भी रख दिया है, तो तेल आ गया है, तो चलो
भाजी का फाइनली वगैरह कर लेते हम मस्त मस्त एकदम छोटा केदार। अगर अभी से जल्दी भाग जाया यहाँ पे हमें 5 मिनट भाजी पकाएंगी, उसके साथ में कैप्सिकम डाल देती हूँ, तो उसके साथ कैप्सिकम पक जाए टमाटर ग्रेवी के साथ ही। मैंने क्या बताया, थोड़े बहुत पकते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता इसलिए तो डाल दिया है। और उसके साथ में नमक भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से सब्जी अब पक गई थी तो मैंने मैश भी कर दिया अच्छी तरह से, आप सब देख सकते हो तो मस्त मैश पक गया है। और तो बारी है टमाटर ग्रेवी की, तो यहाँ पे बबल्स भी होना शुरू हो गए, तो इसमें तो इसका मतलब पानी जो था ना टमाटर का वो जल गया है, तो टमाटर ग्रेवी है सिर्फ। उसमें मैंने नमक भी डाल दिया था तो फटाफट पक गए, इसलिए तो इसमें भाजी डाल देते हो, सारी सब्जियाँ की मैश करी हुई तो उसमें डाल देते हैं। पूरा बाउल भर के रेडी हो गया है, तो तीन आज में पकाना है अभी, तो वरना क्या होगा सब कुछ बाहर निकल जाएगा, बबल्स बहुत होते हैं ना, तो मेरा किचन तो ऑलरेडी गंदा हो ही जाने वाला है, मुझे पूरा किचन साफ करना पड़ेगा। तो जब भी भाजी बनती है ना तब पूरा किचन मुझे साफ करना ही पड़ता है, इतना मिश्र हो जाता है। तो उसके साथ हम मटर भी डाल देंगे बॉल किए हुए, सगड़ी एकदम मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पे धीमी आंच में पकाती हूँ मैं भाजी, और यहाँ पे बाहर बहुत सारा फोन आ रहा है, यहाँ पे भाजी बन रही है। यस, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, भाजी अच्छी लगेगी सबको, टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है भाजी का। बनाओगी तो टेस्ट तो अच्छा ही आएगा। यस ऑफ कोर्स, मुझे पता ही है। या वीडियो देखने वालों को पता नहीं होगा, वो बोलेंगे कि सबको अच्छी लगती है भाजी, पर हर घर में खानी चाहिए सबको, तभी पता चलेगा तो मैं खाना कैसे बनाती हूँ। हेलो, सबको दिखा नहीं सकती, काश ऐसा होता कि आप लोगों को फोन में से ऐसे टेस्ट करा पाती कि सच में शी इज अ मास्टर शेफ। तो आप सबको मतलब मुझे पर्सनली इस दीदी की वैरायटी बहुत पसंद आती है, तो मैं जब भी दीदी नया नया बनाता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि दीदी मेरे लिए भी बनाना, थोड़ा सा मंचूरियन है, पछी उसकी स्पेशलिटी है मंचूरियन, पाव भाजी, पानीपुरी, मेरा क्या ढोकला, ये सब दीदी के हाथ का बहुत मतलब टेस्टी टेस्टी। दोबारा भी पानीपुरी भूल जाऊंगी, आपको पानीपुरी बना के खिलाऊंगी इस बार। मैं जड़ा कुछ डाल दी हूँ, सिर्फ मसाला ही होता है, पानी होता है, पूरी दिन में ही आपको ऐसा लगेगा बस यही पानीपुरी। पहली बार मुझे दीदी ने अपने हाथ की भेल खिलाई थी, वो मैं सिंपल तो वो भी मुझे इतनी पसंद आई थी, और आप सभी को लगता कि भेल में ऐसा क्या होता है, सिर्फ डुंगली टमाटर और ममरा, ये तीनों आइटम होती है, लेकिन डुंगली नहीं खाते, डुंगली भी मैंने नहीं डाली थी। हाँ, डुंगली भी नहीं डाली थी, और लेमन दोनों ही खाती है, तो भी मतलब बहुत, क्योंकि इसके हाथ में ही आए हैं, सब कुछ अच्छा ही बन रहा है और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा बन रहा है। यस, बहुत मस्त भाजी बने सब, ये हाँ मम्मी तो बाहर था, पाव है तो खाने खाने नहीं वाले, इसलिए तो भाखरी बनानी पड़ती है मम्मी के लिए, तो भाखरी बनाते है, उसके बाद पाव लाए है तो फ्राई करने है, उसके बाद भूगल को धरेंगे, उसके बाद हम सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। आज भूख लगी थी ना एटले बहु जम्मा बेगी, घरे कोई रोने नासो के रोज ना एकदम नाराज दे नथी, कबा नासो करने बाजी करनो आ गर्मी में पानी बहु पाए, नास्तो करा पछि एनेज करना है कि એટલે મે દુ મોડું નો થાય ને બધા જમી લેડા બાર। હા હા, એ મેં છે ત્યાં વીરા લેવડ પાક દી નાખી સો। યસ, મસાલા વાળા સાથે હું કોથમીર ડાલી છું, हाँ दादा, मैं जाना तो ठीक है, तुम खाने के बाद भाग मसाला वगैरह भाग, ये बात है। तो चलो
अब बगल को धर लेते हैं पापड़ी और भाजी। पापड़ भी सेकना बाकी है तो वो भी सेकना पड़ेगा। फाकिन को लेके उसके बाद पापड़ सेकूंगी, उसके बाद बगल का थाली करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे बगल का थाली हो गया है, भाजी भाखरी और छाछे और साथ में सलाद है। तो मम्मी बगल को थाली धरने के लिए जा रहे हैं तरिया। वो यहाँ पे मैंने लोटी रख दी है तो पाव भी मैंने ले लिया तो फ्राई करना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। अभी पापड़ मैंने सेक लिया है, विशाल पापड़ लेकर आया था मगर पूरा पैकेट ना टूटा हुआ था, सेकने के टाइम में जल जाता था। तो कोई बात नहीं, चलेगा। घर को ये खाना है ना, इसलिए कोई गेस्ट तो है नहीं तो चलेगा। ये हमारे गेस्ट है मगर घर के गेस्ट है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मुझे मालूम है पापड़ सेकने के टाइम ऐसा ही होता है। तो चलो मैं फटाफट फ्राई करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि 7:30 बज गए, इसलिए आप सब देख सकते हो लाइट चली गई थी ना, तो मुझे गैस पर रखना पड़ा। तो मेरा गैस भी खराब हो गया पूरा, और यहाँ पे भी सगड़ी वगैरह सब कुछ खराब हो गया है। तो मुझे क्लीन करने में, ताज़ा खंडा क्लीन करने में लग जाएगा। कोई बात नहीं, चलो अच्छा खाना होता है तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलो पहले तो मैं वो पाव फ्राई कर लेती हूँ। सब लोग टूट पड़े, आप सब देख सकते हो। पापा भाजी कैसी बनी? बहुत मस्त बनी सर। बाकी मैं दबा दबी हाथ करा ला सर, भूख लगी बताने बहुत लगे पापा। और यहाँ पे दोनों बैठ गए साथ में, कपल हमारी न्यू कपल है। यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। कैसी लगी पहले भाजी? अच्छी लगी ना? ओके, विशाल को अच्छी लगती है। रेशमी दी थी बड़ी पूरी थी। सब लोग खाने के लिए बैठ गए तो सबको भाजी बहुत अच्छी लगी है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि सबको भाजी अच्छी लगी है, तो मैं भी खा लेती हूँ। लगता है मेरे लिए भाजी बचेगी नहीं, तो फटाफट मैं भी खा लेती हूँ। और वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।